नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। पोल्यूशन बोलते हैं किसी भी कंटामिनेंट की इंट्रोडक्शन को नेचुरल एनवायरमेंट में। नेचुरल एनवायरमेंट में कोई भी कंटामिनेंट अगर आ जाए और उसके असर जो है एनवायरमेंट के लिए वो बहुत ही खराब असर है, जो चेंज हो जाए एनवायरमेंट उससे, उसको बोलते हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अब इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है। इसके जो फिजिकल कंपोनेंट्स है, एयर, वाटर, सॉइल, इनकी जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो रही है और ये सब ज्यादातर ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है। ठीक है, पॉल्यूटेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस को कहा जाता है जो पोल्यूशन को कॉज कर, और पॉल्यूटेंट जो है वो मैटर की फॉर्म में भी हो सकते हैं और एनर्जी की फॉर्म में भी हो सकते हैं। मैटर की फॉर्म में जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में, तीनों में एग्जिस्ट कर सकते हैं ये पॉल्यूटेंट्स। और इनके सोर्स की बिना पर पॉल्यूटेंट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, दूसरे होते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स की बात करें तो ये ऐसे पॉल्यूटेंट है जो डायरेक्टली इनके सोर्स से इमिट होते हैं। जैसे कोयला जलने से सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, कोयला इसका सोर्स है। वैसे ही NO2, ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट की एग्जांपल्स हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट्स जो निकलते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जैसे स्मोक, ये सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता है, ये भी पोल्यूशन में काफी हद तक योगदान दे रहा है अपना। इसमें आते हैं स्मोक, डस्ट, सूट। सूट होता है दोस्तों काले रंग का धुआं जो चिपक जाता है चिमनीज के साथ, फैक्ट्रीज की चिमनीज होती है उनके साथ, जैसे सुरमा होता है उसकी तरह होता है ये, बिल्कुल बिल्कुल काले रंग का। और जो एरोसोल, हेज और फ्यूम्स। एरोसोल एक कोलाइडल सोल्यूशन होती है, सस्पेंडेड सोल्यूशन होती है हवा में। हेज होता है जो मिस्ट होती है, फॉग होती है जो नीचे ग्राउंड के पास, उसको बोलते हैं हेज। और फ्यूम्स ऐसी चीजें होती है जिनकी स्मेल बहुत ही ज्यादा शार्प होती है, अगर इनको कोई स्मेल कर ले तो ये बहुत ही फाउल स्मेल होती है इनकी। टॉक्सिक मेटल्स, लेड, कैडमियम और कॉपर, ये भी प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं और ये एनवायरनमेंट में एंटर करते हैं पेट्रोल से, हेयर डाई से और पेंट से और बैटरी से। इनमें ये यूज किए जाते हैं और यहीं से ये एनवायरनमेंट में चले जाते हैं। कुछ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, वोलेटाइल कंपाउंड उनको बोला जाता है जो हवा में उड़ जाते हैं। इसकी एग्जांपल है हाइड्रोकार्बन के कुछ फ्यूल्स और कुछ सॉल्वेंट्स। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स का आपस में मिलके बनता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। जैसे फोटोकेमिकल स्मॉग है, स्मॉग था और उसमें सनलाइट ट्रैप हो जाती है अगर, तो उसको बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग। ग्राउंड लेवल ओजोन, यूं तो ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, ग्राउंड से कम 15 किलोमीटर दूर होती है, बट ग्राउंड लेवल पे भी ओजोन बन जाती है प्राइमरी कुछ चीजों को आपस में मिलके, जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं उनका आपस में कुछ रिएक्शन होके ग्राउंड लेवल पे भी ओजोन बन जाती है जो कि काफी हार्मफुल है एटमॉस्फेयर के लिए। परॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, खाली एग्जांपल्स हैं। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन कई सारे टाइप्स की होती है, जैसे वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, बट हम इस वीडियो में सिर्फ एयर पोल्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं। एयर को यानी हवा को पोल्यूटेड तब कहा जाता है जब इसके सब्सटेंसेस होते हैं जो इसकी क्वालिटी को खराब कर देते हैं, और ये एयर तब हार्मफुल हो सकती है लाइफ के लिए, प्लांट्स की भी, एनिमल की भी, या फिर प्रॉपर्टी के लिए भी ये हार्मफुल हो सकती है। प्रॉपर्टी के लिए आप बोलेंगे प्रॉपर्टी को क्या करेगी हवा, तो बारिश में मिलकर ऐसे ड्रेन कर सकती है जिससे जो मॉन्यूमेंट्स होती हैं, जो बिल्डिंग्स होती हैं उनके ऊपर जो मार्बल है वो पिघल सकता है। इस तरह से ये प्रॉपर्टी के लिए भी काफी हार्मफुल है। और कॉजेज क्या है एयर पोल्यूशन के, पेट्रोलियम की रिफाइनरीज, इनसे पॉइजनस गैसेस निकलती है जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इनको अगर कोई इनहेल कर जाए तो ये
काफी डेडली गैसेस हैं। डस्ट जो सीमेंट फैक्ट्री से डस्ट प्रोड्यूस होता है, सीमेंट फैक्ट्रीज में बड़े बड़े क्रशर्स लगे होते हैं, तो वो जब पत्थरों को तोड़ रहे होते हैं एक्चुअली, तो वहां से बहुत डस्ट पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं वहां से। थर्मल पावर प्लांट्स जो होते हैं वो भी डेडली पॉल्यूटेंट्स को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे फ्लाई ऐश, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन। फ्लाई ऐश की हम बाद में बात करते हैं। नंबर ऑफ इंक्रीजिंग व्हीकल्स, जो व्हीकल्स हैं, गाड़ियां अब इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं और इनमें भी इतना फ्यूल यूज हो रहा है, और वो भी बहुत सारे टॉक्सिन्स रिलीज करती हैं गाड़ियां, जैसे हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और लेड की कुछ ऑक्साइड, तो ये भी एयर पोल्यूशन को बहुत हद तक कंट्रीब्यूट करते हैं। अब बात करते हैं फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश एक बहुत ही फाइन पाउडर रेजिड्यू होता है, जब कोई भी चीज, कोई भी सॉलिड चीज को जलाया जाता है तो पीछे फ्लाई ऐश बचती है, यानी राख जो होती है ना पीछे, इतनी फाइन होती है कि हवा में उड़ जाती है, ये बहुत हल्की होती है। और इसमें जो पॉइजनस चीजें होती हैं उनके नाम हैं अल्युमिनियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड्स, ये कैल्शियम कार्बोनेट्स भी बना सकते हैं। और ये फ्लाई ऐश से प्रॉब्लम क्या हो सकती है? फ्लाई ऐश से प्रॉब्लम ये होती है कि एयर और वाटर पोल्यूशन हो सकती है, ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ह्यूमंस में हो सकते हैं तो बाकी एनिमल्स या बर्ड्स में भी हो सकती हैं, और प्लांट लाइफ को काफी डैमेज करती है ये। प्लांट के पत्तों के ऊपर जाके बैठ जाती है, जिसकी वजह से प्लांट्स को ट्रांसपीरेशन या उनकी जो गैस के एक्सचेंज होता है वो हैम्पर हो जाता है। क्या किया जाए एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए? सुटेबल फ्यूल सिलेक्शन, ऐसा फ्यूल चुना जाए जिससे कम रिलीज होता है गैसेस का। मोर एफिशिएंट इंजन, ऐसे इंजन जो एफिशिएंट ज्यादा हैं, जो काम ज्यादा कर रहे हैं पर वो भी एनर्जी कम कंज्यूम कर रहे हैं। करेक्ट सिलेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग साइट्स, मैन्युफैक्चरिंग साइट्स की अच्छी सिलेक्शन की जाए, हॉस्पिटल, स्कूल्स वगैरह के बहुत ही दूर होनी चाहिए जो मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं। प्लांट, मोर ट्रीज, ये तो मुझे लगता है कि सबसे जरूरी जो चीज है आज के टाइम में वो यही है, क्योंकि हर एक पोल्यूशन का जो कंट्रोल है, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, इन सबको कोई अगर चीज कंट्रोल कर सकती है तो वो है बहुत सारे प्लांट्स। तो प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज, मॉडिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल प्रोसेस को मॉडिफाई किया जाना चाहिए ताकि रिसाइकलिंग वगैरह का अच्छा प्रावधान किया जाए, और जो विलेजेस में लोग रहते हैं उनको ज्यादा सब्सिडी दी जाए गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि वो सिलेंडर को यूज करें न कि फॉसिल फ्यूल्स को, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स को यूज करने से बहुत सारी गैसेस रिलीज होती हैं जो कि एनवायरमेंट के लिए ठीक नहीं है और उन लोगों की हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। पॉलिसी, यानी सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए? तो सबसे पहला जो एक्ट है, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 में पहली बार सरकार ने एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए ये एक्ट बनाया है। और ये जो एक्ट है इसको किस क्यों बनाया गया था? विद एन ऑब्जेक्टिव टू प्रिवेंट, कंट्रोल एंड अबेट एयर पोल्यूशन। अबेट, और इस एक्ट की जो सेक्शन 19 है उसके अकॉर्डिंग जो दिल्ली का जो पूरा एरिया है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी बोलते हैं इसको, दिल्ली की, इसको डिक्लेयर कर दिया गया पोल्यूशन कंट्रोल एरिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको डिक्लेयर कर दिया पोल्यूशन कंट्रोल एरिया, और ये जो पोल्यूशन कंट्रोल एरिया है उसमें जितने भी फ्यूल यूज होते हैं ना आप, वो सारे गवर्नमेंट के अप्रूव्ड होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, कोई सुझाव अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।